सोमवार को श्रावण मास के आखिरी सोमवार और बकरीद का त्यौहार एक साथ पड़ने से पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। यही वजह है कि गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस किसी भी तरह के जाम से बचने के लिए रूट डायवर्टन का सहारा लेते हुए सावन का सोमवार और बकरीद की नमाज में किसी भी तरह के विघ्न ना होने पाए रूट डायवर्टन किया है। SP ट्रैफिक आदित्य वर्मा के मुताबिक शहर में बकरीद की नमाज शहर के मस्जिदों में अदा की जाएगी। इसे देखते हुए सोमवार को सुबह 6 बजे से 12 बजे तक शहर के कई मार्गों पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। SP ट्रैफिक ने बताया कि नमाज के दौरान भारी वाहनों के साथ साथ कुछ रूटों पर दुपहिया वाहन पर भी प्रतिबंधित रहेंगे। घर से निकलने से पहले एक बार प्रतिबंधित मार्गों को जान लें। प्रतिबंधित रहने वाले मार्ग ये हैं: जामा मस्जिद घंटाघर की तरफ से जाने वाले शाह मारूफ रास्ते पर, अलहदादपुर की तरफ से घंटाघर की तरफ रायगंज होते हुए जाने वाले मार्ग पर, नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर के मार्ग पर, रेती चौराहा से घंटाघर की तरफ जाने वाले मार्ग पर, इलाहीबाग चौराहे से बहरामपुर बंधे की तरफ जाने वाले रास्ते पर, TP नगर तिराहे से नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से तुर्कमानपुर व घंटाघर एवं घोष कंपनी के रास्ते पर, हुमायूंपुर ओवरब्रिज तरंग चौराहा से अली नगर चौराहे मार्ग पर, करमचंद चौराहा से बहरामपुर जाने वाले मार्ग पर, गोरखनाथ ओवरब्रिज रेलवे क्रॉसिंग से उत्तर गोरखनाथ की तरफ जाने वाले मार्ग पर, हुमायूंपुर ओवरब्रिज के ऊपर से सवारी गाड़ी को गोरखनाथ वाले मार्ग पर, इन रास्तों से डाइवर्ट होकर वाहन जाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, दोनों हमारे एक तो नौसड़ से लेके हमारा पिपराइच वाला मार्ग पूरा भरा रहेगा। सिटी के अंदर जहाँ जहाँ शिव मंदिर है वहाँ पे भीड़ रहेगी, तो शिव मंदिर और दोनों बकरीद के दोनों को उत्सव को देखते हुए हम लोग जो है पर्याप्त हम लोग सुरक्षा व्यवस्था की हुई है। जैसे हरपट बंदे से हम लोग भारी वाहन नहीं जाने देंगे, इधर नॉर्मल स्कूल के पास से हम लोग नहीं जाने देंगे, उस तरफ जो सूरज कुंड की तरफ से है भारी वाहनों का उधर से प्रवेश निषेध है, और नमाज के समय किसी भी हालत में कोई भी वाहन का हम लोग मूवमेंट नहीं करने देंगे। सर, कौन कौन से जगह चिन्हित की गए हैं जहाँ से हैवी वाहनों को यातायात को परिवर्तित किया है? एक तो दिन के समय हम लोग ये भारी वाहनों को प्रतिबंधित रखेंगे, और हरबट बंधे से लेके ये आपका जो इलाका है मंडी का इलाका है यहाँ पे भी हम लोग भारी वाहनों को नहीं निकलने देंगे। जो है केवल नमाज के समय बिल्कुल दोपहिया वाहनों को भी हम लोग प्रतिबंधित करेंगे। जहाँ जहाँ नमाज पढ़ने के इलाके हैं वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था कराएंगे, और कोशिश करेंगे सभी चीज़ें सुख शांति से संपन्न हो और किसी को कोई कष्ट ना हो।